नमस्कार दोस्तों, नोटिस जो है तीन इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे हुए हैं, एक तो बांग्लादेश, एक म्यांमार और एक नेपाल। हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट ने सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2016 उसको पेश किया पार्लियामेंट में। उस 2000 जो अमेंडमेंट बिल है उसकी जो मुख्य उसकी जो कंटेंट जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो हिंदू फॉरेनर्स है उनको इंडिया में सिटीजनशिप दिया जाएगा और मुसलमानों को सिटीजनशिप जो नहीं देगा और इंडिया से उनको बाहर कर दिया जाएगा। कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा कि एनआरसी के एक मुद्दा थे, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, उस एनआरसी में भी यही अपना गया था कि जो मुसलमान जो 1971 से जो बाद में जो आया उनको सिटीजनशिप नहीं देंगे और 71 के जो पहले के जो है उनको इंडियन सिटीजनशिप देंगे। हाल ही में नरेंद्र मोदी माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री प्रधान सेवक अपने आप को कहला जाता है, अभी नोएडा असम और इम्फाल की उन्होंने दौरा किया, एक विजिट है एक दिन की। नोटिस में ऐसे आग लगा करके आया, आज त्रिपुरा में दो तीन लोगों की जान चले गए, असम आज बंद है, तीन दिन से बंद है, मणिपुर बंद है, नोटिस पूरा जो है मतलब ब्लैक डे है अभी। तो उनकी वजह से जो अपनी जो इलेक्शन में जो आने वाला इलेक्शन 2019 की इलेक्शन जो की जो फ्यूचर को देख करके उन्होंने ऐसे जो आग लगा करके जो है नोटिस तभी बॉइलिंग पोजीशन पर है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आज तक जो है उन्होंने रिमूव नहीं किया। उनकी नरेंद्र मोदी की जो आईवी जो है सिक्योरिटी पर्सन है या आर्मी के पर्सन लोग जो है वो ठीक से उनको रिपोर्ट तलब नहीं करते हैं। हम ब्लेम करते हैं उनका, नरेंद्र मोदी का जो जो कर्मचारी है जो आईवी के जो चीफ है आर्मी के चीफ है उनको अब मैं ब्लेम करना चाहूँगा कि वो ठीक से रिपोर्ट नहीं देते। वो अपनी सुख सुविधा और अपनी अपनी अलाउंसेस की वजह से जो है वहाँ पर जो है आप टेरोराइजिंग ये खुद ही करते हैं और टेररिस्ट के नाम लेते हैं। बांग्लादेश के इन्फिल्ट्रेशन जो है वो अगर चाहते तो वो क्यों नहीं रोक सकते हैं, बीएसएफ के आदमी वो खुद इन्वॉल्व होते हैं कि बांग्लादेशी को अंदर की तरफ लेकर के आया और उनको सिटीजनशिप इंडिया में जो स्थायी रूप से दिया जाए। तो आज तक उन्होंने इसको किया नहीं है। 1971 में जो बांग्लादेश और बांग्लादेश को अलग पाकिस्तान से अलग करने का जो इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई था, यस बहुत अच्छी बात है, वो हमारा एक डिप्लोमेटिक लड़ाई थे, बांग्लादेश अलग हो गई है, बट उसके बाद जो मिसेस इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के समय से जो है अपने वोट की राजनीति की, जो वो हम उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहते हैं, बट अभी इतने साल से जो सिटीजन जो इंडिया में जो देश में जो रह रहे हैं तो उनको जो भगाने का या उनको देश से अलग आउट करने का जो है उनकी जो रणनीति जो है हम इसके बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल विरोध करते हैं। अभी इंडिजिनस पीपल की एक अभी दो तीन दिन पहले राजनाथ जी जो है होम मिनिस्टर असम में जाकर के डिक्लेरेशन दिया है, इंडिजिनस पीपल कौन है, उधर के मूल निवासी कौन है, उसमें एक दूसरे को जो है लड़ाने के जो है उन्होंने षड्यंत्र रच करके गया, हम उसके घोर विरोध करते हैं, हम राजनाथ जी के विरोध करते हैं, हम मोदी का विरोध करते हैं। असम अभी आज से लेकर के तीन दिन तक बंद है, असम बंद है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी नहीं है, बीजेपी एक दूसरे को अपनी आने वाला इलेक्शन को देख कर आने वाला 2019 को देख करके एक दूसरे को लड़ाने के चक्कर में, हम जो मूल निवासी है हमारे जो देशवासी है इनको भी ध्यान देना चाहिए कि हम किसकी उनकी झांसे बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे डॉक्टर विजय जी कुछ इस आगे के बारे में कुछ बताएंगे। डॉक्टर विजय, जैसा कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने बताया कि बीजेपी की रणनीति क्या होती है, बीजेपी की रणनीति सिर्फ वोट बैंक के लिए होती है और कैसे भी झूठ बोल के कांग्रेस और बीजेपी दोनों झूठ बोल के वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनको पता है 10% आरक्षण से एक मिनट इसमें तो 10% आरक्षण में तो ये तो डिक्लेयर हो गए कि भाई एक अगरबत्ती जलाने से एक थाली के एक आरती हिलाने से 8 लाख रुपए की इनकम होता है, ये तो डिक्लेयर हो चुका है। तो ये एक सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, समाज के सारे वर्गों को जो SC ST OBC और माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं उनको सबको ये समझना चाहिए कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
और जो देना चाहिए, जैसे ओबीसी के बारे में बताया गया कि ओबीसी की जनसंख्या जो है भारत में 52% या उससे ऊपर है, तो पहले उसके लिए काम करना चाहिए। हमारे जितने लीडर हैं, खासकर जिसको हम अपना लीडर बोलते हैं, बहन जी ने, सबसे पहले उसके लिए आवाज उठाना चाहिए, ना कि स्वर्ण जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये तो वोट बैंक की राजनीति, जो भी बीजेपी को इस मुद्दे पे सपोर्ट करते हैं वो प्योर बीजेपी वोट बैंक की राजनीति करते हैं और उसके पीछे समाज का कुछ भी हित नहीं होने वाला है। एक चीज मैं और यहां आपको क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, जो 10% आरक्षण दिया गया है, एक तरीका होता है, मंडल कमीशन में आरक्षण दिया गया ओबीसी को, तो एक डिटेल में रिपोर्ट सर्वे किया गया पूरे देश में, पूरे हर जगह जा जाके, जिलों में जाके हर जगह सर्वे किया गया, लेकिन इस आरक्षण को देने के लिए कोई सर्वे नहीं है। यहां तक कि जब लोकसभा में बिल पेश हो रहा, उससे पहले किसी को पता भी नहीं है, इस तरह से गुप्त रूप से किया गया। तो तुम्हारे पास में क्या डाटा है, क्या ढंग और क्या तरीका है, कौन से आपके पास आंकड़े हैं जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि ये गरीब समाज के समण के समण समाज में ये 10% गरीबों को जो है हम आरक्षण देते हैं? कोई डाटा नहीं, कुछ नहीं, केवल और केवल चुनावी जुमला और शब्द है। नहीं, और एक एग्जांपल और है, एक एक घर में काम करने वाली, मान लो स्वर्ण महिला किसी स्वर्ण के घर में काम करती है, उसकी जिसके घर में 50,000 रुपए जिसको सैलरी मिलती है वो भी गरीब हो गया, और जो उसके घर में झाड़ू पोछा करती है वो भी गरीब हो गई। ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सा तरीका रिजर्वेशन बांटने का? अच्छा, दूसरा, ये जितना भी ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी बनाई है उसमें सरकार सर्वे कर ले कि कितने लोग सही मायने में ईडब्ल्यूएस के जिनको सर्टिफिकेट अलॉट हुए हैं वो सही मायने में क्या वो इकोनॉमिकली वीक है? वो ये सारे फर्जी सर्टिफिकेट कौन बनवा सकता है? जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा वही बनवा सकता है। तो ये सब जो है कुछ नहीं है, ये सब पब्लिकली पब्लिक को बेवकूफ बनाने का तरीका है, और पब्लिक को, इवन हम तो जनरल क्लास को ही बोलते हैं, उनको भी ये समझने का तरीका है। नौकरियां है नहीं, आप आरक्षण बांट रहे हो, आरक्षण का कोई मतलब नहीं है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया।